नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, ओमान में जो कोरोना का रफ्तार है धीरे धीरे थम रहा है, और फ्रेंड्स जो अमेरिका का एक हेरिटेज फाउंडेशन ने महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के प्रयासों की बहुत बहुत सराहना की है। उन्होंने जिस तरह से अपने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो प्रयास किया है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं, और साथ में जो अमेरिका से संबंधों को मजबूत किया है, ये उनकी दूरदर्शी और उनके प्रतिबद्धता को दिखाती है कि किस तरह से पूरे सल्तनत की जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे तरीके से वो निभाते हुए चल रहे हैं। मस्कट नगर पालिका की जो टीमें हैं वो बुधवार को मुत्रा और के विलायत में जाकर के जो बार्बर शॉप का निरीक्षण किया। जी हाँ, क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने, म्यूनसिपालिटी ने जारी किया था, क्या उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है बार्बर शॉप में, इसके लिए नगर पालिका ने अपना बयान जारी किया है कि मुत्रा में टीमों ने स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए जो उपाय हमने सुझाए थे, क्या बार्बर शॉप में वो पालन किए जा रहे हैं, इसको जांचने के लिए जो बार्बर शॉप का निरीक्षण का अभियान चलाया गया है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फ्रेंड्स, फिटनेस की जो फिक्र है अपने स्वास्थ्य के बारे में, यदि आप जागरूक हैं, काफ़ी अच्छी बात। जिम ऐसा जगह है जहां पे कोविड-19 फैलने का जो खतरा है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए जिम को 6वें पैकेज में खोला गया है सुप्रीम कमेटी के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्कआउट करते समय आपको N95 मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए या फिर कोई कपड़ा वगैरह से आप अपने नाक मुंह को ढक सकते हैं, क्योंकि N95 मास्क में जो वाल्व होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और एक्सरसाइज करते समय हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं, और उस जो सांस लेने की प्रक्रिया है उस छोटे से वाल्व से कंप्लीट नहीं होती है फ्रेंड्स, और हमको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकते हैं। नगर पालिका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हमदर अल बुहैबी ने बताया है कि जिम जाने वाले लोगों को कम से कम 2 तौलिया, और यदि आप योगा करते हैं तो अपनी एक पर्सनल चटाई और साथ में पानी की बोतल एक पर्सनल बैग में ले जाना। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आज नया स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पे ओमान न्यूज़ हिंदी फैमिली के लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिया में रहते हैं और आपको जॉब की आवश्यकता है, तो एशिया पावर एक कंसल्टेंसी है बॉम्बे में, आप सभी लोग जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी है। उसमें प्रोजेक्ट प्लानर का वैकेंसी आया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी सारी डिटेल। यदि आप में से कोई लोग इस वैकेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट दी है, यदि आप इंडिया में रहते हैं तो बॉम्बे का ऑफिस है ये, FG घी वाला नाम है इनका, और सारी जो डिटेल्स है वैकेंसी के बारे में, पेमेंट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे है, और आप मेल करके या कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा और इस टाइप की जानकारी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, क्योंकि ये सब जो ऑफिसेज हैं, लगभग सारे लोग हमारे जो ओमान न्यूज़ हिंदी देखते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हों। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके, लाइक करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर खबर, हर तरह की खबर आपके लिए लेके आता हूँ इस चैनल पे एवरीडे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।